एक सुंदर सीख। एक पत्नी ने अपने पति से आग्रह किया कि वह उसकी 6 कमियां बताए, जिन्हें सुधारने से वह बेहतर पत्नी बन जाए। पति यह सुनकर हैरान रह गया और असमंजस की स्थिति में पड़ गया। उसने सोचा कि मैं बड़ी आसानी से उसे 6 ऐसी बातों को सूची थमा सकता हूँ जिसमें सुधार की ज़रूरत थी, और ईश्वर जानता है कि वह ऐसी 60 बातों की सूची थमा सकती थी जिसमें मुझे सुधार की ज़रूरत थी। परंतु पति ने ऐसा नहीं किया और कहा, मुझे इस बारे में सोचने का समय दो, मैं तुम्हें सुबह इसका जवाब दे दूँगा। पति अगली सुबह जल्दी ऑफिस गया और फूल वाले को फ़ोन करके उसने अपनी पत्नी के लिए 6 गुलाबों का तोहफा भिजवाने के लिए कहा, जिसके साथ यह चिट्ठी लगी हो। मुझे तुम्हारी 6 कमियां नहीं मालूम जिनमें सुधार की ज़रूरत है। तुम जैसी भी हो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। वह शाम पति जब ऑफिस से लौटा तो देखा कि उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। यह कहने की ज़रूरत नहीं कि उनके जीवन की मिठास कुछ और बढ़ गई थी। पति इस बात पर बहुत खुश था कि पत्नी के आग्रह के बावजूद उसने उसकी 6 कमियों की सूची नहीं दी थी। इसलिए यथासंभव जीवन में सराहना करने में कंजूसी ना करे और आलोचना से बचकर रहने में ही समझदारी है। जिंदगी का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। पसीना उम्र भर का उसकी गोद में सूख जाएगा। हम सफ़र क्या चीज़ है ये बुढ़ापे में समझ आएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। कुछ ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।